वेलकम स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डीकम्पोजिशन प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने जो है कम्प्लीट किया है। अब जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो चैप्टर यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वह है एनर्जी फ्लो। स्टार्टिंग में जो मैंने टॉपिक लिया था फर्स्ट टू लेक्चर के अंदर, वहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। उसके अंदर यहाँ पर बताया गया था कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम दैट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन देयर पोजीशन। एनर्जी का जो बहाव है, एनर्जी का जो फ्लो रहेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, एक माहौली निज़ाम के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। पोलैरिटी पाई जाती है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर वो आगे बढ़ता है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन होल द बायोस्फीयर, इन होल द इकोसिस्टम। पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो सब के सब जो यहाँ पर सन के जरिए यहाँ पर होता है। सन की एनर्जी प्लांट डायरेक्ट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, ये तमाम के तमाम जो कंज्यूमर हैं, इस तरीके से एनर्जी का फ्लो आगे बढ़ते रहेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर जो आपको याद रखना है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम दैट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन देयर नेचर। अब देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, 50% ऑफ सोलार रेडिएशन दैट कैन रीच ऑन द अर्थ सरफेस। सन के जरिए जितनी भी सनलाइट जो सोलार रेडिएशन निकलते हैं वो 100% ज़मीन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसका 50% सोलार रेडिएशन दैट रीच ऑन द अर्थ सरफेस, बाकी 50% का क्या होगा। आपको पता है कि हमारा जो बायोस्फीयर, हमारा जो टोटल अर्थ सरफेस है, ज़मीन के अतराफ यहाँ पर ओजोन लेयर यहाँ पर जो है जाती है, जो पूरे यहां पर जो अर्थ सरफेस को यहां पर कवर करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग यहां पर पाई जाती है। तो यहां पर सोलार रेडिएशन, हम जब फोटोसिंथेसिस देखेंगे 11 का टॉपिक उसके अंदर आएगा, सनलाइट तीन किस्म की होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट और उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ इतनी स्लो, इतनी कम होती है कि वो दैट कैन एब्सॉर्ब इन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के अंदर वो एब्सॉर्ब हो जाती है, ओजोन लेयर को क्रॉस करके जमीन तक पहुंचने की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है कि वो यहां पर जमीन से टकराने के बाद दैट रिफ्लेक्ट बैक। तो इस वजह से, यही वजह है कि जितने भी यहां पर या तो सनलाइट 100% जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहेंगे दैट कैन एब्सॉर्ब इन द ओजोन लेयर, और बाकी कुछ पहुंचते भी हैं इंफ्रारेड रेडिएशन तो दैट रिफ्लेक्ट बैक, और यहां पर विजिबल लाइट वो एब्सॉर्बेबल लाइट रहेगी। तो यही कहा जाता है कि जितने भी सोलार रेडिएशन है, सनलाइट रहेगी, उसका 50% जो यहां पर जमीन तक जो है यहां पर पहुंच पाते हैं। अब उसके अंदर भी ये 50% को अगर हम 100% तसव्वुर कर लेते हैं तो बट ओनली 2-10% ऑफ द सोलार रेडिएशन दैट आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो 50% जमीन तक पहुंच रहे हैं तो उसका भी यहां पर देखा जाएगा। अगर ये 100% जमीन के पास जितने भी पहुंच रहे हैं, अगर इसको हम 100% कंसीडर करते हैं तो उसका 2-10% जो है दैट कैन बी यूज फॉर ऑटोट्रॉफ, दैट कैन यूज फॉर द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी देखा जाए तो यहां पर सोलार रेडिएशन 50% तो जमीन तक पहुंच रहा है। अब डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी का जो इस्तेमाल करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, सिर्फ प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट सनलाइट को यूज करते हैं, और वो भी कितना है, ओनली 2-10% यूज कर रहे हैं। यानी अगर यहां पर देखा जाएगा तो बल्क क्वांटिटी ऑफ सनलाइट वो जो यहां पर वेस्ट हो रही है। यही वजह है कि आज जोर दिया जा रहा है सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तैयार करने के लिए और मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए, यहां पर जो है सोलार सिस्टम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में सनलाइट जो यहां पर वेस्ट हो रही है, सोलार रेडिएशन वेस्ट हो रहे हैं। तो बहरहाल नेचुरल रिसोर्स के जरिए ओनली 2-10% ऑफ सोलार एनर्जी दैट इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो प्लांट फूड मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे,
प्लांट को यूज़ करने वाले हर्बीवोरस हैं, जिसको हम सब्जी खोर कहेंगे। हर्बीवोरस को इस्तेमाल करने वाले कार्निवोरस हैं, कार्निवोर या सबको इस्तेमाल करने वाले ओमनीवोरस हैं। तो सोलार रेडिएशन जो ग्रीन प्लांट यूज़ किए थे फोटोसिंथेसिस के लिए, वो केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यही फोटोसिंथेसिस है। तो यहाँ पर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर तैयार हो रहा है, ये केमिकल एनर्जी है। जब इसको यहाँ पर हर्बीवोरस यूज़ करेंगे तो प्लांट के अंदर जो केमिकल एनर्जी है दैट आर ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को यूज करने वाले कार्निवोरस हैं, तो हर्बीवोरस के अंदर जो एनर्जी प्लांट से आई थी वो कार्निवोरस के अंदर ट्रांसफर होती है। फिर इसी तरीके से इनकी एनर्जी ओमनीवोरस के अंदर ट्रांसफर होती है। कितना ट्रांसफर होता है वो मेन पॉइंट यहां पर है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल। हर लेवल के ऊपर 100% एनर्जी नहीं, 50% एनर्जी नहीं, ओनली 10% ऑफ एनर्जी दैट आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी प्लांट के जरिए सनलाइट का 10% प्लांट्स के अंदर आए, प्लांट का 10% जो रहेगा वो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से 10% कार्निवोरस, कार्निवोरस के अंदर यहाँ पर जो है कार्निवोरस से 10% जो ओमनीवोरस के अंदर ओनली 10% ऑफ एनर्जी दैट आर ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और बाकी जो 90% एनर्जी है दैट कैन बी प्रिजर्व इन द सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसके बॉडी के अंदर यहाँ पर प्रिजर्व रहेगी, जिसको हम कह सकते हैं रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल कहा जाएगा। तो यहां पर तमाम पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, नीट के ताल्लुक से एनर्जी फॉलो इन इकोसिस्टम दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ओनली 50% ऑफ सोलार रेडिएशन दैट कैन रीच ऑन द अर्थ सरफेस, ओनली 2-10% ऑफ सोलार रेडिएशन दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी दैट आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये पॉइंट जो है यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है एनर्जी फॉलो, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं फूड चेन या फूड वेब, गिजाई जंजीर जिसको कहा जाता है, क्या है डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर। जैसा कि मैंने कहा है यहाँ पर दिया हुआ है, सन इसके ऊपर डिपेंड रहने वाले प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहने वाले यहाँ पर जो है कंज्यूमर होते हैं। जब जब ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो फिर उसके आफ्टर देयर डेथ डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, तो डिपेंडेंस ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब इसको यहाँ पर हम ये डिपेंडेंस देखते हैं तो यहाँ पर एक चेन हमारे सामने आती है या एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और यही चीज़ कहलाती है फूड चेन या फूड वेब कहा जाता है। अगर प्लांट्स हैं वो तो ऑटोट्रॉफ हैं, दे कैन प्रीपेयर देयर फूड मटेरियल, लेकिन प्लांट भी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सन के ऊपर। सोलार एनर्जी के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। जितने भी कंज्यूमर है हर्बीवोरस कार्निवोरस ओमनीवोरस, वो सब के सब यहां पर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहां पर हम देखते हैं वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, प्रोड्यूसर की डेथ है, हर्बीवोरस की है, कार्निवोरस की है, ओमनीवोरस की है, उसके बाद इन तमाम के जरिए से डीकंपोजिशन का प्रोसेस होता है। तो एक वेब लाइक, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बनता है और इसी को कहा जाता है फूड चेन, और दैट में बी कॉल्ड एज फूड वेब। डिपेंडेंस ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन और फूड वेब, इसको जो है यहां पर कहा जाएगा। अब उसके बाद यहां पर हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन और फूड वेब या फूड चेन के कंपोनेंट्स क्या हैं। जाहिर सी बात है डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे दीज मस्ट बी कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन। इसको फूड चेन का जो है यहां पर कंपोनेंट जो है यहां पर कहा जाएगा। इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर देखा जाएगा कि यहाँ पर तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर शामिल होते हैं, ये कंपोनेंट कहलाते हैं। प्रोड्यूसर है जो ऑटोट्रॉफ है, ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर शामिल होते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर तीन टाइप में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं वो टॉप कार्निवोरस और दैट में बी कॉल्ड एज ओमनीवोरस के नाम से इसको जो है पहचाना जाएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं जो
एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होते हैं, लिविंग फॉर्म में होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ फूड चेन। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो डेथ के बाद का प्रोसेस है, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है। तो ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग फॉर्म में हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। समझ में आ रहे हैं यहाँ पर? तब यहाँ पर ये हो जाता है फूड चेन, फूड वेब, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होता है टाइप्स ऑफ फूड चेन। जब यहाँ पर पूरे दुनिया के अंदर जब हम यहाँ पर देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होता है फॉर गेटिंग देयर फूड मटेरियल, तो यहाँ पर फूड चेन दैट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दो टाइप में डिवाइड होते हैं। पहली टाइप जो है ग्रेजिंग फूड चेन या GFC ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन DFC कहा जाएगा। ये दो किस्म की यहाँ पर जो है फूड चेन पाई जाती है। पहला जो ग्रेजिंग फूड चेन है ज़मीन के ऊपर है, जब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग फॉर्म में हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाएगा। डेट्रिटस का मतलब है डेड बॉडी, जब ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है एंड दे आर बरीड इन साइड द सॉइल, तो जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसको डेट्रिटस फूड चेन कहा जाएगा। पहले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ कि डीकम्पोजिशन इसका जो स्टार्टिंग होता है वो डेड बॉडीज से होता है, और डेड बॉडीज को यहाँ पर डेट्रिटस भी कहा जाएगा, इसीलिए डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन भी कहा जाएगा, या डेट्रिटस इकोसिस्टम भी कहा जाएगा। तो डेट्रिटस फूड चेन के अंदर कंप्लीट डीकम्पोजिशन प्रोसेस है जो जमीन के अंदर होगा, एंड दैट कैन बी परफॉर्म ओनली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम फंजी और बैक्टीरिया के जरिए होगा। अब यहाँ पर जो है ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है, ग्रासेस है जो प्रोड्यूसर हैं, इसके ऊपर डिपेंड रहने वाले, फर्ज करो सपोज यहाँ पर जो है गोट्स हैं जो हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस को यूज करने वाले यहाँ पर जो है कार्निवोरस भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, ओमनीवोरस भी हो सकते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जमीन के ऊपर जो यहाँ पर फूड चेन होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन है, और जमीन के अंदर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उसको जो यहाँ पर डेट्रिटस फूड चेन कहा जाएगा। तो ये इतना है, इसके आगे और अभी ये जो है टाइप्स ऑफ फूड चेन और आगे हम एग्जांपल देखेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। ट्रॉफिक लेवल भी हमें यहाँ पर देखना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, फिर इसी के अंदर और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।